अस्सलाम वालेकुम वाइटी फैमिली, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह आज दुबई में बहुत अच्छा मौसम है, बिल्कुल बादल ही बादल हैं। आज 26 रोज़ा है माशाल्लाह, लेकिन बहुत सर्दी है। अल्लाह पाक का ये बहुत शुक्र अदा करते हैं जो रमज़ान में इतना सर्दी लेके है। कुछ बीच में रोज़ा जो है गर्मी था, यानी 16 से लेकर 20 तक। ये हम लोग का दोस्त है, मूसा नाम है इसका, तारिक नाम है, जो दूध निकाल रहा है ऊँट का। अभी टाइम होने वाला है मूसा चूसा भी। हाँ मैं आता है, ठीक है तारिक, ये है जो तुमसे बोलता है अली, आप लोग पीते हैं। और ये दूसरा है अब्दुल्ला शेख, इसका नाम है, इसको हम लोग शेख बोलते हैं। अभी सूरज भी बिल्कुल उतरने वाला है, रोजे का अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तकरीबन कोई आधा घंटा पड़ा है। इसने दिमाग है बर थी, तो अभी बच्चा इंतजार में, इसको भी खुला करेंगे, ये दूध पियेंगे माँ का। क्योंकि दो निकालेंगे ना, दो से फिर हम लोग इसको दूध निकाल सकते हैं। बिता से करेंगे सफाई, तो इसमें दूध निकालेंगे, फिर कुछ बनाएंगे इसमें। दूध में चावल भी बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं और लस्सी भी बनाते हैं। माशाल्लाह ऊँट का दूध बहुत ज़बरदस्त है। लस्सी इसका ऐसे नहीं बनता है, इसका नहीं बनता है जैसे गाय का बनता है, लेकिन यानी थोड़ा थोड़ा बनता है। गाय का तो बहुत अच्छा बनता है। ये हम लोग का एक दोस्त दूसरा है, पाकिस्तानी है। और आज शबे बारात की रात है, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आएंगे इंशाल्लाह, जो हो सके इबादत करें, क्योंकि रात जो है ना हज़ारों रातों से बेहतर है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस रात का इबादत का जो है तौफीक अता फरमाए। ये अभी दूध पी रहा है, तो जब दूध लेके आएगा फिर इंशाल्लाह इसके दूध निकलते हैं। और एक खड़ा है, इसको अभी दूध देंगे, क्योंकि रेस से वापस आ गया है खस्ता हाल में, इसलिए इसको दूध पिलाते हैं। रेस से जब ख़त्म हो जाते हैं ना, फिर इधर भगा देते हैं उसको, क्योंकि फिर वो किसी काम का नहीं है। फिर उससे बच्चा लेते हैं, फिर उसका बच्चा भगाते हैं। ये छोटे को दूध देते हैं, ये पीता भी है। अभी देख